वेलकम टू माय चैनल आर्ट वर्क बाय मोनिका। दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर से एक नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा फ्रेंड। तो मैं आपको इनका नाप बता देती हूँ। तो ये मेरा एक पीस है जो 3 इंच की इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी 10 इंच है। ये मेरा एक पीस है जिसकी लंबाई 8 इंच है और चौड़ाई 3 इंच है। ये मेरा एक पीस है जिसकी लंबाई 9 इंच है और चौड़ाई 5 इंच है। ये मेरा एक पीस है जिसकी लंबाई 6 इंच है और चौड़ाई इसकी 3 इंच है। ये मेरे दो पीस हैं अलग अलग कलर के, तो ये 3.5 3.5 इंच के दो पीस हैं फ्रेंड्स। ये मेरे दो पीस हैं सेम कलर, जो 5 इंच की इसकी लंबाई है और 3.5 इंच की चौड़ाई है। ये मेरे दो पीस हैं अलग अलग कलर के सेम नाप के, तो ये 5.5 इंच 5.5 इंच है फ्रेंड्स अलग अलग कलर के। फिर उसके बाद फ्रेंड्स दो पीस मेरे ये हैं और दो पीस मेरे ये हैं, तो ये 4.5 इंच की इसकी लंबाई है और 3.5 इंच की इसकी चौड़ाई है। तो ये हो गया फ्रेंड्स, ये 5 इंच की इसकी लंबाई है और 2 इंच की इसकी चौड़ाई है। ये मेरा एक पीस है। ये मेरा एक पीस है जो 2 2 इंच का है। ये मेरा एक पीस है जो 2.5 इंच की चौड़ाई है और 3.5 इंच इसकी लंबाई है। तो मैंने आपको नाप बता दी फ्रेंड्स, अब हम इसको डिज़ाइन को सेट करेंगे। तो ये पीस हमारा थोड़ा बाद में यूज होगा, तो इसको हम साइड में कर लेते हैं। सबसे पहले हम इन पीसों का इस्तेमाल करेंगे, तो हम इन पीसों को बिछा लेते हैं इस तरीके से फ्रेंड्स। और फिर इसके बाद ये वाला पीस बिछा लेंगे उल्टे सीधे का, देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए इस तरीके से ये दो पीस हमने सेट कर लिए फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम लाइन लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हम लाइन लगाएंगे। डिज़ाइन फ्रेंड बहुत अच्छा बनेगा, आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि नया डिज़ाइन है। अच्छी तरीके से देखिएगा जो आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाए फ्रेंड्स। तो ये हमारा हो गया फ्रेंड्स, ये भी हमें इसी तरीके से सिलने हैं फ्रेंड्स। तो हम इसको इस तरीके से रख लेंगे और इसमें भी लाइन लगा लेंगे। तो मैं इसमें लाइन लगा लेती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पीस में भी लाइन लगा ली है, इसको भी हमें इसी तरीके से सिलना है बीच की लाइन को छोड़ के साइड साइड में। तो मैं ये पीस भी तैयार कर लूँगी फ्रेंड्स। फिर उसके बाद ये वाला पीस लेंगे फ्रेंड्स, फिर इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे कि यहाँ इसको बीच में रख लिया और इसमें भी हम लाइन लगा लेंगे जैसे हमने बाकी पीसों में लगाई है। इसको भी हम उसी तरीके से सिलेंगे फ्रेंड्स। तो हमारा ये भी हो गया फ्रेंड्स, हम कट करेंगे। तो ये कट हो गया फ्रेंड्स। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये वाला पीस लेंगे, उनको ओपन करेंगे और फिर इस तरीके से घुमा देंगे। तो हमें ये वाला पीस इस तरीके से चाहिए फ्रेंड। तो हम इस तरीके से इसको रख के और यहाँ से सिल लेंगे। तो ये पीस हमारा ऐसे सिलना है इस तरीके से, याद रखना फ्रेंड्स, ये पीस हमारा इस तरीके से आना चाहिए। तो हम इसको ऐसे रख के यहाँ से सिलेंगे। तो ये हो गया इस तरीके से। तो ये हमें सिर्फ 3 पीस चाहिए, तो 2 हमने ये ले लिए, एक पीस हम और ये तैयार कर लेते हैं। तो फिर मैं आपको इनको अच्छी तरीके से सेट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर लिया है, तो ये मेरे पीस तैयार हो गए हैं। तो ये इस तरीके से आने चाहिए फ्रेंड्स, इस तरीके से तीनों पीस। तो ये हो गए हमारे, ये दोनों पीस हो गए और ये दोनों पीस हो गए। अब इसमें से क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक पीस हमें कट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमें इतनी दूर पे ये वाला हिस्सा जॉइंट करना है। तो मैं पहले इसको थोड़ा सा यहाँ से खोल लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना यहाँ से उधेड़ लिया है। तो अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले इस पीस को यहाँ रखेंगे और अच्छे से नाप लेंगे। तो हमारा ये इस लाइन पे आ रहा है, लेकिन हमें इस लाइन पे कट करना है। तो पहले हम इसको कट करेंगे यहाँ से और सेम
इसको इस पे लगा के कट करेंगे। तो पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो ये इस तरीके से यहाँ से नीचे का पीस ध्यान से कट कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से मैंने कट कर लिया। तो जो ये हमारा पीस है, उस पीस को हम इसके ऊपर रखेंगे। तो उसी हिसाब से हम इसको ऊपर वाले को कट कर लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे फ्रेंड्स। सीधे उल्टे का देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये हो गया। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ रख के सिल देंगे इस वाले पीस पे। तो मैं पहले इसको सिल लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ से सिल लिया है। अब इसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे और फिर इसको यहाँ से ऐसे करके सिल लेंगे। तो मैं इसको सिल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पीस इस तरीके से तैयार हो गया है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको नाप लेंगे फ्रेंड्स। तो हमें ये 4.5 इंच तैयार करना है फ्रेंड्स। तो हम ये 3.5 साढ़े 4 इंच इसको पहले तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आगे मैं और डिज़ाइन सेट करके दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्केल से इस पर लाइन लगा ली है। तो ये मैंने 4.5 इंच का तैयार कर लिया है। तो मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से जुड़ गया है। अब हम क्या करेंगे, पहले मैं इसको यहाँ से सिलूँगी फ्रेंड्स। तो ये सिल जाएगा। फिर उसके बाद हम ये जो मैंने एक्स्ट्रा पीस लिया है, इसको मैंने थोड़ा कुछ पीस मैंने फ्रेंड थोड़े एक्स्ट्रा ही लिए, क्योंकि बाद में डिज़ाइन के साथ ही उनको कट करना पड़ता है। तो ये हो गया। तो पहले इसको सिल लेते हैं यहाँ से, फिर उसके बाद इसको इसके ऊपर रख के सिलेंगे फ्रेंड्स। तो मैं पहले इनको सिल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा यहाँ से भी सिल गया है और यहाँ से भी सिल गया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा है, उसको हम साथ में कट करते चलेंगे। तो मैंने इसमें लाइन लगा ली है, तो मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम ये बड़ा पीस लेंगे। अब इसके ऊपर क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये लेंगे यहाँ से और यहाँ से सिलाई लगा देंगे और ये वाला ओपन कर लेंगे। तो हमें यहाँ इस पर सिलाई पेन निशान लगा देती हूँ फ्रेंड। तो मैं इसे 1.5 इंच पे ले रही हूँ और 1.5 इंच यहाँ से, और फिर इसको हम यहाँ से इसको लाइन को सीधा कर देंगे। ये हो गया फ्रेंड्स। तो पहले हम इसको सिलेंगे और इसे सिलने के बाद ये एक पीस लेंगे, इसको भी हम इस पे रख कर सिलेंगे। तो मैं पहले इसको थोड़ा सा जो ये देखिए इस तरीके से, तो इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ से हम सिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये भी सिल गया और यहाँ से हमने ये भी सिल लिया। अब इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको जो हमने ये सिला है, पहले हम इसको थोड़ा सा कट करेंगे। तो ये सिलने वाला जो हिस्सा है, सिलाई को छोड़ के ये थोड़ा सा हमने कोना कट कर लिया। अब इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर फ्रेंड्स, हमें फिर इसके हिसाब से नापना है, इसको इसी की शेप में देना है। तो इसको पहले ओपन कर लेंगे अच्छी तरीके से और फिर उसके बाद इस तरीके से यहाँ ऐसे निशान लगाएंगे। ये हमने निशान लगा लिया। अब हम इस पर कट कर रहे हैं। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले ये हो गया। अब इसके बाद धीरे धीरे हम डिज़ाइन सेट करते चल रहे हैं फ्रेंड्स, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हो गया, ये हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, ये हो गया। तो अब हम इन दो पीस को लेंगे और इसको इस तरीके से, तो यहाँ रख के हम इसको सिल देंगे। तो मैं इसको ही सिल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सिल गया। अब हम ये वाला टुक पीस लेंगे और इस पीस को भी इसके ऊपर रख के
यहाँ से सिल देंगे। तो इसको भी हम इस तरीके से सेट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पीस भी सिल गया है। अब हम ऊपर की लाइन को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा है हम उसको अलग से निकाल देंगे। तो मैं इसमें निशान लगा रही हूँ फ्रेंड, जो भी मेरा एक्स्ट्रा है वो सब निकल जाएगा। तो पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब ये वाला जॉइंट है और ये वाला जॉइंट और ये जॉइंट दोनों आपस में मिलाने हैं, ये इस तरीके से। और जो हमारा एक्स्ट्रा इधर निकाल देंगे और इधर का एक्स्ट्रा इधर निकाल देंगे। तो यहाँ पिनअप कर लेते हैं फ्रेंड्स और फिर एक सिलाई लगा लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी जुड़ गई लाइन और जो हमारा एक्स्ट्रा है वो हमने साइड साइड में निकाल दिया और लाइन भी लगा लिया। तो इसको हम कट कर लेते हैं फ्रेंड्स पहले। तो ये देखिए, ये हो गया। अब ये वाला पीस है जो हमारा, ये और ये। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पीस को इस तरीके से रखेंगे, पीछे वाला छोड़ देंगे, नोक से नोक को मिलाएंगे। तो इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ से हम इसको सिल देंगे। तो मैं सिल लेती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा सिल गया है और जो मेरा एक्स्ट्रा होगा उसको मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। देखिए निशान लगा लिया है, तो मैं इसको कट कर लेती हूँ। अब ये सिल गया है फ्रेंड्स। तो अब क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर रख के सिलेंगे। तो मैं इसको पलट लेती हूँ और यहाँ से एक सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये सिल गया है, ये इस तरीके से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो जॉइंट है हमारा इसको इस पे मिलाएंगे यहाँ से इस तरीके से, जॉइंट से जॉइंट को मिलाएंगे और सिल देंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा होगा ये वाला, इसे हम ऊपर छोड़ देंगे, बाद में हम कट करेंगे। तो इसको सिल लेती हूँ फ्रेंड्स पहले मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये भी सिल गया और जो हमारा ये ऊपर एक्स्ट्रा आ गया है इसको भी हम कट कर लेते हैं। तो साथ के साथ मैंने आपको पहले बताया कि कुछ कट ऐसे होते हैं कि हमें डिज़ाइन के बाद ही कट करने पड़ते हैं, पहले से ही हमें पूरा नाप से नहीं ले पाते उसको, कपड़े को। तो ये देखिए इस तरीके से ये हो गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम ये वाले पीस लेंगे। तो एक पीस मेरा यहाँ जुड़ेगा और एक पीस यहाँ जुड़ेगा। तो जो हमारा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको फिनिशिंग से कट कर लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये पीस फ्रेंड्स देखिए मैंने तैयार कर लिया है और फिनिशिंग से तैयार किया है। ये हमारा 3.5 इंच और 3 इंच, तो ये हमारा इस तरीके का नाप है। और ये हमें इस तरीके से रखना था फ्रेंड्स कि यहाँ पर जब हम सिलाई लगाएं तो ये चीज़ हमारी थोड़ी नीचे रहे, जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर सेट बैठेगा। तो हम इसको, ये हमारा हो गया। तो सबसे पहले हम इसको इसके ऊपर रख के यहाँ से सिलेंगे और फिर उसके बाद ये वाला पीस लेंगे और ये भी इस पर रख के यहाँ से सिलेंगे और ये वाला पीस लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा है हम साइड साइड में कर देंगे फ्रेंड्स। तो इसके बाद ये वाला पीस लेके यहाँ से सिलेंगे। तो ये मैं पूरी लाइन जोड़ लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये भी सिल गया है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें यहाँ से सिलना है फ्रेंड्स। तो मैं इस पूरी लाइन को सिल के कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा खूबसूरत सा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। तो देखिए मैंने खूबसूरत सी बत्तख बनाई है जो आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी, आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन बनाया है फ्रेंड। आप इसकी आँख पेंट वगैरह कर सकते हो या फिर धागे की कढ़ाई कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। तो आप भी ऐसे सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाइए और उन डिज़ाइन का कुछ ना कुछ यूज कीजिए। तो मैं यूज करना भी बताती हूँ फ्रेंड्स आपको। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं यूज करने के लिए, तो आप जैसा चाहें वैसा यूज कीजिए। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।